नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो सिद्धि मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 सिद्धियों के नाम इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकामे, ईशित्व तथा वशित्व। दोस्तों, इन सिद्धियों से अलग भी कई प्रकार की सिद्धियाँ होती है जिन्हें अलग अलग मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं का वर्णन मिलता है। हनुमान चालीसा की पंक्ति में भी इन्हीं 8 सिद्धियों का वर्णन है। ये सिद्धियाँ हनुमान जी के पास है। आइए जानते हैं इन सिद्धियों का क्या क्या उपयोग होता है। दोस्तों, अणिमा सिद्धि का साधक अपने आप को सूक्ष्म बना लेता है। इस सिद्धि से युक्त व्यक्ति सूक्ष्म रूप धर के एक प्रकार से दूसरों के लिए अदृश्य हो जाता है। अणिमा की सिद्धि से संपन्न योगी अपनी शक्ति द्वारा अपार बल पाता है। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि से साधक अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता पा लेता है। हनुमान जी के पास यही सिद्धि थी जिसकी वजह से वो अपना आकार बढ़ा और सूक्ष्म कर लेते थे। गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि से मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। इसी सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने भीम के सामने किया था, जिससे भीम से हनुमान जी की पूंछ हिली भी नहीं थी। लधिमा सिद्धि, स्वयं को हल्का बना लेने की क्षमता ही लधिमा सिद्धि होती है। लधिमा सिद्धि में साधक स्वयं को अत्यंत हल्का अनुभव करता है। प्राप्ति सिद्धि, इस सिद्धि के बल साधक जो कुछ भी प्राप्त करना चाहे उसे प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक जिस भी किसी वस्तु की इच्छा करता है वह असंभव होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी प्राप्त हो सकता है। प्राकाम्य सिद्धि, इस सिद्धि का साधक कोई भी रूप धारण कर लेने की क्षमता प्राप्त करता है, और तो और व्यक्ति चाहे तो आसमान में उड़ सकता है और यदि चाहे तो पानी पर चल सकता है। ईशित्व सिद्धि, हर सत्ता को जान लेना और उस पर नियंत्रण करना ही इस सिद्धि का अर्थ है। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक समस्त प्रभुत्व और अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। सिद्धि प्राप्त होने पर अपने आदेश के अनुसार किसी पर भी अधिकार जमाया जा सकता है, वह चाहे राज्यों से लेकर साम्राज्य ही क्यों न हो। वशित्व सिद्धि, जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पा लेने की क्षमता ही वशित्व या वशीकरण कहलाती है। सिद्धि के द्वारा जड़, चेतन, जीव जंतु, पदार्थ, प्रकृति सभी को स्वयं के बस में किया जा सकता है। दोस्तों, इन सिद्धियों को पाने के लिए देवता भी तरसते थे, इसलिए इन सिद्धियों को योग्य व्यक्ति को ही प्रदान किया जाता था। दोस्तों, इससे अगले वीडियो में हम दूसरी सिद्धियों के बारे में जानेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप दूसरे ही ऐसे विषयों तथा सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।